नमस्कार युवा मित्रों, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ सज्जनों, काफी कमेंट्स आते हैं, सर टेंडर क्या होता है, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कल अपन ने जाना था कि टेंडर क्या होता है और आज बात करते हैं कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सज्जनों, वैसे तो टेंडर कई प्रकार के होते हैं, मगर मुख्य मुख्य जो मैं टेंडर आपको बता रहा हूँ वो चार प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार होता है एकल टेंडर, यानी किसी भी विभाग में कोई अचानक कोई जरूरत पड़ जाती है, अर्जेंट वर्क जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति में एक ही ठेकेदार को बुला करके जो अधिकारी अपने विवेक से अच्छा बढ़िया से बढ़िया ठेकेदार मानता है, उस ठेकेदार को बुला करके, या वो रजिस्टर्ड ठेकेदार हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, मगर रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही ज्यादातर बुलाया जाता है, उसको एकल ठेकेदार कह सकते हैं, एकल टेंडर कह सकते हैं, क्योंकि एक ही ठेकेदार को बुलाया जाता है और ऐसी स्थिति में अर्जेंट वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कोई भी चीज के आपूर्ति के हिसाब से अर्जेंट आपूर्ति करनी होती है, ऐसी स्थिति में एकल टेंडर किए जाते हैं। ज्यादातर एकल टेंडर तभी किए जाते हैं जब स्थिति मैंने जो बताई है उस हिसाब से हो, अन्यथा दूसरे प्रकार की टेंडर की प्रक्रिया को काम में लिया जाता है और उसको कहते हैं लिमिटेड टेंडर, यानी वो ये उन ठेकेदारों को बुलाया जाता है जिनकी संख्या कम होती है, मगर वो रजिस्टर्ड होते हैं, विभाग से रजिस्टर्ड होते हैं और निर्धारित होते हैं, 5-7 ठेकेदार जो विभाग में रजिस्टर्ड होते हैं उनको ही बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है कि अधिकारियों को उनके काम करने के तजुर्बे के ऊपर विश्वास होता है और उन ठेकेदारों को बुलाया जाता है। ये ज़्यादातर ये जो लिमिटेड ठेकेदार टेंडर होते हैं, ये लिमिटेड टेंडर में उन ठेकेदारों को बुलाया जाता है जो 5 लाख तक के काम कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा बड़े काम होते हैं उनको अलग से, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ उन ठेकेदारों को बुलाया जाता है। बाकी लिमिटेड टेंडर में छोटे ठेकेदारों को बुलाया जाता है जो 5 लाख तक के काम करवाए जाते हैं, या ये संख्या, ये जो लिमिट है वो बढ़ाई भी जा सकती है, ये अधिकारी के विवेक पर, समय की जरूरत के हिसाब से या चीज की आपूर्ति कितनी अर्जेंट है उस हिसाब से ये स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरी बात आती है कि अगला जो टेंडर होता है, टेंडर का प्रकार होता है, वो होता है ओपन टेंडर। सज्जनों, ओपन टेंडर में आम आदमी जो कोई भी पंजीकृत हो, जो रजिस्टर्ड हो, किसी भी विभाग से रजिस्टर्ड हो, मगर उस आदमी को उस चीज का, उस ठेकेदार को उस वर्क का पूरा नॉलेज हो और रजिस्टर्ड हो, अनुभव हो उसको, उसमें कोई भी ठेकेदार भाग ले सकता है, कोई भी टेंडर दे सकता है, मगर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, अथवा कोई भी चीज सप्लाई करनी है मान लीजिए तो उसके लिए कोई भी ओपन टेंडर होते हैं उसमें, और उसकी बाकायदा निविदा निकाली जाती है, मतलब NIT निकाली जाती है और NIT में हर आदमी भाग ले सकता है, चाहे वो कहीं से भी हो, कहाँ का भी हो, ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है अधिकारी के कि वो किसको कॉपी देते हैं अथवा नहीं देते हैं टेंडर कॉपी। अगली बात आती है कि उसमें ये भी होता है कि अनुभवहीन को नहीं दिया जाता, यानी जिस काम का स्पेशलिस्ट होता है उसी आदमी को दिया जाता है। अलग अलग वर्ग के अलग अलग अनुभव होते हैं लोगों को, और जिनका रजिस्ट्रेशन जैसे वर्क के हिसाब से होता है उनको ही ये ओपन टेंडर में शामिल किया जाता है। अगली बात आती है जिसको कहते हैं कि ग्लोबल टेंडर, यानी चौथे नंबर की जो टेंडर को प्रकार है उसको बोलते हैं ग्लोबल टेंडर। सज्जनों, ग्लोबल इस सिस्टम में तब अपनाया जाता है ये सिस्टम जब देश में इस तरह के काम करने वालों का कंपटीशन कम हो, यानी काम करने वाले लिमिटेड आदमी हो, इसलिए कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अच्छे ठेकेदार को या अच्छी रेट को प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए जाते हैं, जिसमें विदेशी कंपनियां भी भाग ले सकती हैं, देश से बाहर के भी लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि यदि देश में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है या कंपिटिटर नहीं मिलते हैं या रेट अच्छी नहीं मिलती है, अच्छी रेट का मतलब लोवेस्ट रेट जो होता है, लोवेस्ट जो टेंडर भरता है उसी को काम मिलता है, तो लोवेस्ट रेट लाने के लिए ग्लोबल टेंडर भी लगाए जाते हैं।
ये ज्यादातर ऊंचे दर्जे के काम होते हैं या विश्व में कोई चीज विशेष कहीं होती है उसकी डिमांड अपने देश में हो, ऐसी स्थिति में ये टेंडर लगाए जाते हैं। सजनों, मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, उन्हें देख करके आप इस विषय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।